कमोडिटी मार्केट का रुख करते हैं। अनुज गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हैं एंजल ब्रोकिंग से। अनुज जी शुक्रिया आपने समय जीवन को देने के लिए। सर प्रेशियस मेटल्स पे आउटलुक बताएं। गुड मॉर्निंग अजय जी, अगर देखें तो हमें लगता है कि प्रेशियस मेटल में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। कल हमने देखा था कि मार्केट थोड़े पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड की थी, मुझे लगता है कि आज भी गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड बाइंग का रहेगा, तो इंट्राडे के लिए हमारा कॉल गोल्ड में बाय का रहेगा। करीबन 31,300 के आसपास बाय करके चले, टारगेट 31,800 देखने को मिल सकते हैं। राइट, ठीक है, सिल्वर पे भी मानते हैं खरीदारी बढ़ेगी यहाँ से। सर देखिए मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो थोड़ा नेगेटिव है, हमें लगता है क्रूड के अंदर दिखवाली करके चल सकते हैं। क्रूड पे क्या वही मैं पूछ रहा था, क्रूड पे टारगेट्स के लेके चल रहे हैं आप? क्रूड में मुझे लगता है कि अगर भाव करीबन 2740 के आसपास मिले तो आप दिखवाली करके चले, टारगेट नीचे 2650 तक, या फिर नीचे अगर हम NYMEX में डॉलर वाइज देखें तो करीबन 39.80 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। बेस मेटल्स पे कोई कमोडिटी जो आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, क्या यहाँ पर कुछ कोई स्ट्रैटेजी आज के लिए? और देखिए बेस मेटल में निकल और एल्युमिनियम दो कमोडिटी मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेंगी, दोनों के अंदर बाय करके चल सकते हैं निकल एंड एल्युमिनियम में। ओके, करेंसी मार्केट्स पे अप्रोच क्या रखे आज के ट्रेडिंग सेशन? देखिए करेंसी मार्केट में हमें लगता है कि इंडियन रुपीज कल भी स्ट्रॉन्ग हुआ था, हमें लगता है आज भी इंडियन रुपीज स्ट्रॉन्ग होकर ट्रेड हो सकता है, तो इंडियन रुपीज हमारा सेलकॉल रहेगा करीबन 67.10 के अराउंड दिखवाली करके चले, टारगेट नीचे करीबन 66.80 तक देखने को मिल सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पे अपनी राय देने के लिए, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं NACL फ्रॉड में।